बहुत सालों के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तकरीबन 5-6 साल के बाद यार। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करने वाले। तो गाइज, आज का जो हमारा व्लॉग है उसकी जो लोकेशन है वो है शनिवारवाड़ा, जो कि हमारे पुणे सिटी में लोकेटेड है वो। तो गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं आज ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाने वाला हूँ गाइज, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड ऊपर से गाइज, जो मेरे भाई है, मतलब जो मेरे एडिटर है, जो मेरे साथ रहते, आज उनका बर्थडे भी है, तो मतलब आज डबल मज़ा आने वाला है गाइज। तो चलिए गाइज, आज हम जाएंगे उस लोकेशन पे। एंड वहाँ पे जाने के बाद आज हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद जा रहा हूँ वहाँ पे, वो भी मैं बताऊँगा आपको वहाँ पे जाने के बाद। तो गाइज, वैसे शनिवारवाड़ा मेरे घर से वो 18 किलोमीटर पे है, मतलब कुछ 40 मिनट मुझे यहाँ से जाने को लगते। अभी मेरा जो भाई है वो घर से निकल चुका है गाइज, वो अभी आता ही होगा। तो जैसे वो आएगा फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो यार आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे, क्योंकि ब्लॉग। गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे शनिवारवाड़ा, ये जो देख रहे हो। एंड भाई अभी गए थोड़ा मतलब पार्किंग में, मतलब गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे वो आएंगे फिर हम अंदर जाएंगे। तो गाइज, मैं यहाँ पे मतलब क्या ही बताऊँ आपको, मतलब तकरीबन 6 या 7 साल के बाद, हाँ 6 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ गाइज। मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, मतलब जब आया था 6 साल पहले, तो पेरेंट्स के साथ आया था, आज अकेले आया हूँ गाइज, मतलब व्लॉग एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे वो आ जाएंगे फिर हम व्लॉग को स्टार्ट करेंगे गाइज। तो यार आप भी हमारे साथ व्लॉग में बने रहे गाइज। सो हे गाइज, ये है हमारा शनिवारवाड़ा, जो कि पुणे में लोकेटेड है। एंड यहीं पे गाइज हमारे जो पेशवा थे वो रहते थे, एंड जो हमारे बाजीराव थे वो भी यहीं पे रहते थे। तो गाइज अभी बहुत सुंदर वाड़ा है ये, आप लोग अभी देख ही लोगे अंदर जाके। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर। गाइस, तो अब हम है शनिवारवाड़ा के अंदर। ये वाड़ा 70s में बनाया था, 1732 में। ये बहुत ही बड़ा था, बट इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है कि इसलिए अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बची है। लेकिन गाइस, ये वाड़ा जो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही सुंदर है। चलिए गाइस, अभी आगे भी देखते यार, यहाँ पे तो नहीं, मतलब चलिए। सो है गाइस, आई होप आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा होगा आपको भी। बहुत सालों के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तकरीबन 5-6 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। वहीं दिखा सावर से लंग करना, वहाँ पे भी जाना है सामने का। ये तो बस स्टार्टिंग का हमने थोड़ा बहुत दिखाया आपको, अभी वहाँ पे भी जाएंगे, फिर वहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके भी मुझे बताना कि कैसा है। एंड ऊपर से आज मेरे मतलब भाई का भी बर्थडे है, तो उस किधर ही वो, हाँ देखो वो मतलब उसी की दुनिया में होता है, तो वो आज हमें पार्टी भी देगा एंड फिर बड़ा मज़ा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहली चीज नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला अलग ला, पहली चीज नागिन निकाली मुन्ना। डबल मजा आएगा, पार्टी का ना बर्थडे ना गाइस। इसको ज़्यादा बोलूँ मतलब ये ना, मतलब मेरे यूट्यूब के लिए मतलब सीरियसली काम ही नहीं करते, इसलिए मेरे व्लॉग ही नहीं आते ज़्यादा कुछ। ओके, झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। तो चलिए, अभी ये भी समझ गया होगा, तो ये भी काम करेगा सीरियसली थोड़ा, क्योंकि यार इसके भी थोड़े बहुत काम होते ना, तो कभी कभी हो जाते थोड़ा बहुत ऊंच नीच। तो चलिए कोई बात नहीं, जाएंगे आगे एंड फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो यार आप भी हमारे साथ व्लॉग में कंटिन्यू रहो।
वाइज यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि प्रथम था बाजीराव जी की पेशवा की घोड़सवारी की मूर्ति है, वहाँ पे मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा जो किले में प्रथम निवासी थे। सो गाइज, वैसे शनिवार वाड़ा बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे दिल्ली दरवाजा है और कई सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि शनिवार वाड़ा में प्लेस फाउंटेन है, उसके बाद शनिवार वाड़ा में जो जरोखा है, जो मतलब हमारे खिड़कियों को कहा जाता है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली दरवाजा के ऊपर एक हॉल भी है बड़ा सा, बहुत अच्छा है एंड बहुत सुंदर है। तो गाइज, अभी जो महल था वो तो पूरी तरह से जल गया है, लेकिन अभी उसकी जगह पे एक बगीचे को स्वरूप दिया गया है वो, जो कि बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही सुंदर लगता है। हे गाइस, आई होप आप लोगों ने लास्ट का सिनेमैटिक शूट भी देख लिया होगा। तो चले, होप मैं भी व्लॉग को यही पेंट करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा व्लॉग को। तो गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो आई होप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको मैसेज वीडियो में बताया था, मैं अभी रुकूंगा नहीं। तो चलिए, देखेंगे अभी आपको भी कैसा लगा व्लॉग, मुझे कमेंट में भी बताना कि अभी भाई का बर्थडे, तो देखेंगे अभी कुछ तो खा के जाएंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत काम है वो करेंगे एंड फिर जाएंगे घर पे। ओके, तो चलिए, नेक्स्ट टाइम वहीनी लगी उन्हें, वो क्या नेक्स्ट टाइम ये उनके जो मतलब मेरी वहीनी जो है ना, उनको लेके आएंगे। ओके, तो चलिए लाइक कर देना। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।